चिकन कड़ी नहीं बनाई? नहीं बेटा, आज के दिन मांस मच्छी नहीं बनाते, आज उपवास है। उपवास मतलब मैं भूखा मरूं क्या? जरा समझा करो बेटा, अगर एक दिन नॉनवेज नहीं, नहीं, नहीं खाऊंगा, तुम ही खा लो। क्या हुआ माँ जी, वो गुस्सा होकर क्यों चला गया? आज नॉनवेज नहीं बनाया इसीलिए गुस्सा हो गया। तो क्या माँ के साथ कोई ऐसे पेश आता है? उससे कहकर क्या फायदा, घर के सारे मर्द ऐसे ही हैं। जानते हो ना बेटा, आज करवा चौथ है। पूजा होने के बाद हर औरत अपने पति के साथ बैठकर दोने वाले तो खाती ही है, मगर इस घर में इन चीजों की कोई मायने नहीं। बेचारी कितनी दुखी है, माँ के साथ कोई ऐसी बदतमीजी करता है? उसी इडियट की बात छोड़ो, ऐसे वक्त पे शाहरुख खान क्या करता है पता है? क्या करता है? ऐसे मौके का फायदा उठाकर वो हीरोइन को फोन करता है। ऐसा शाहरुख खान करता है? तो फिर वेंकटेश क्या करेगा? अब देखो, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा सब्र करो। सत्यनारायण होटल गया है, कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगा। हेलो वर्मा अंकल, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। कुछ नहीं अंकल, मैंने आपसे वो बिजनेस डील की बात की थी ना, उसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इन्हें पार्टनर बनाना बेकार है। उपवास के दिन नॉनवेज के लिए अपनी माँ से झगड़ा करते हैं, जब अपनों का ये हाल है तो मेरा क्या होगा। इसलिए आप पार्टनरशिप के लिए तैयार रहिए। अरे सब्र कीजिए अंकल, मैं कह रहा हूँ ना 90% मैं आपके साथ हूँ। राम नारायण, इन बदतमीज लोगों को देखो कैसे चोरी छुपे उसकी सारी बातें सुन रहे हैं, पता नहीं कैसे पेट में रहे। हाँ टच में रहूंगा अंकल, ठीक है रखता हूँ। क्या करें गधे, सारा काम बिगाड़ दिया। एक दिन बिना नॉनवेज के नहीं रह सकता था क्या तू? मुझ पे बात चिल्लाइए, पहले उसके बारे में सोचिए। हाँ मैं नहीं खाऊंगा तो और कौन खाएगा? ये लो, अरे लो ना थोड़ा सा, शर्माओ मत खाओ। तुम लोग खाना क्यों परोस रहे हो? तुम लोग भी खाने बैठ जाओ ना, देखो कितना टाइम हो गया है। दादाजी तुम कब आए बेटा? ये क्या आपकी भी करवा चौथ है? सिर्फ करवा चौथ ही नहीं, होली भी मनाता हूँ, संक्रांति भी मनाता हूँ, पकवान भी बनाता हूँ और इसी तरह सबको खिलाता भी हूँ। आज के दिन मैंने चिकन मंगाया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम खाओ। और खा ले। ये क्या दादाजी, आप फोटो को खाना खिला रहे हैं? फोटो को नहीं बेटा, अपनी पत्नी को खाना खिला रहा हूँ, वो आज भी मेरे साथ है। हा? तुम विदेश से आए हो ना, इसलिए हमारी परंपराएं, हमारी भावनाएं तुम्हें मजाक लग रही होंगी ना। क्या कह रहे हैं, मुझे लगा आप लोगों में भावना नहीं है इसीलिए वर्मा जी से सौदा कर रहा था। तुम डायरेक्ट उससे बात मत किया करो, कुछ करने से पहले हमसे पूछो, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। आओ थोड़ा तुम भी खा लो, आ जाओ। आप खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगा। देखा ना सबको कैसे ठीक कर दिया। थैंक्स वेंकटेश। थैंक्स क्यों कह रही हो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली और मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली। ये देखो ये क्या है, सारे पति पत्नी एक साथ खाना खा रहे, तो उनको देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी साथ में खाना खाएं। पर वो तुम्हारी आंटी कहती है साथ में खाना अच्छा होता है। बेटा पूजा, ये लो आ गया कबाब में आंटी। चीयर्स का मतलब होता है साथ में खाना, चलो। क्यों बेटा पूजा, जैसे फूल के पीछे भावरे पड़े रहते हैं वैसे वेंकटेश भी तुम्हारे पीछे पड़ा है ना? क्या बताऊं अंकल जी, दिन ब दिन उसकी चाहत मेरे दिल में बढ़ती ही जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे सच्चाई कैसे। चार दिन और रुक जाओ बेटा, काम होते उसे लात मार कर यहाँ से निकाल दूंगा। तो सर गलती आपकी है और सजा उसे देंगे क्या? जो होना था हो चुका, थोड़ा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। आखिर क्या ठीक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकाउंट क्लियर कीजिए सर। हटिए मेरे रास्ते से। पहले किस दो तब हटूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा क्या बोल दिया? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। छोड़िए मुझे, पहले एक पप्पी तो फिर छोड़ दूंगा। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए मुझे, हाथ छोड़िए मेरा। छोटू बेटा, छोटू बेटा, छोटू बेटा, साला कमीना, बदतमीज कहीं का। फिक्र मत कीजिए पूजा जी, उसके हरकतों से मेरा भी खून खोल रहा था, पर क्या करता, किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। सिर्फ चार दिन रुकी है, उसके बाद इसकी तो। प्रसाद जी इसे लातों से पीटने की बात कर रहे हैं और ये छोटू को लातों से पीटने की बात कर रहा है, इससे क्या पता चलता है बताओ? ये कि कोई हाथ से पीटना नहीं चाहता। अरे गधे ऐसी बात नहीं है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक क्लू मिल जाए फिर सबक से खाऊंगा। क्लू मिल गया, उसकी फैक्ट्री का काम पूरा होने तक हम उसकी हर बात मानेंगे, क्या कहते हो? ठीक है पिताजी। क्या बात है जीजा जी, कल से सबको देख रहा हूँ धोती में नजर आ रहे हैं, इतना ही नहीं औरतों के साथ खाना भी खा रहे हैं। क्या दिक्कत है प्रकाश बाबू, पार्टनरशिप कैंसिल कर देंगे, ऐसा मैंने वर्मा जी से फोन पर सुना। इस फोन पर सुना? अरे और नहीं तो क्या। जीजा जी मैं आपको एक सनसनीखेज खबर सुनाऊं। कैसी खबर? ये फोन दो दिनों से डेड पड़ा है, मतलब काम नहीं कर रहा है, मैं खुद कंप्लेन करके आया हूँ। क्यों रामू? सर बंद फोन से बात करने का नाटक करके आपको बेवकूफ बना रहा है, वो और प्रसाद जी मिलकर आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। मामा जी
ये आप क्या कह रहे हैं? यही सच है, यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। अगर ये बात झूठी निकली तो मेरी जमीन के कागजात देकर यहाँ से निकाल दीजिए, चेक कीजिए। बिल्कुल सर। हेलो हेलो, मैं रामपुर से रवि वर्मा बोल रहा हूँ, जरा प्रकाश जी को बुला देंगे? ठीक है जी, एक मिनट जरा लाइन पर रहिए, मैं अभी बुलाता हूँ। रवि वर्मा है? रवि वर्मा? हाँ, मुझे दीजिए, सबर से काम लेना होगा। उसने यहाँ पर फोन क्यों किया है, मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। ठीक है। हाँ। साले की हरकतें देखकर नहीं लगता कि जल्दी मरेगा। हेलो, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, कहिए अंकल जी। किसी सांड के दौड़ने की आवाज आ रही थी। है, वो क्या है ना कि मैं जरा दौड़ कर आया था इसलिए आवाज आई। ये हमारे प्रकाश की आवाज तो नहीं लगती। अरे मैं अपनी आवाज बदल कर बात कर रहा हूँ। आवाज बदल कर बात कर रहे हैं मतलब? मेरा मतलब ये है कि अपनी फैक्ट्री के काम के सिलसिले में लोगों से बार बार बात करके मेरी आवाज बदल गई है अंकल। अच्छा वैसे आपने क्यों फोन किया? बताता हूँ, तुम्हारे करीब वो गधे तो नहीं है ना? कौन गधे अंकल? वही शंकर ठाकुर और उसका बाप। बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं बोलते अंकल। बोलना क्या, मैं तो उन्हें मुंह पे गालियां दूं? तुम नहीं जानते, वो शंकर ठाकुर खूनी दरिंदा है और उसका बाप उससे भी बड़ा कमीना। हमेशा उसकी नजर दूसरों के पैसों पे होती है। उसके साथ जिस जिसने धंधा किया वो आज भीख मांगता फिर रहा है। कहीं तुम्हें भी चूना ना लगा दे, इसलिए जल्दी मेरे पास आ जाओ। क्या हुआ प्रकाश बाबू? मैं प्रकाश बाबू नहीं हूँ, शंकर ठाकुर का बाप हूँ। मुझे पहचान ही नहीं पाया ना? मेरी बात सुन, अगर आइंदा गलती से भी तूने प्रकाश बाबू को फोन किया ना तो तू अपनी टांगों पर चलकर नहीं जा पाएगा। रख फोन। क्यों रे? जीजा जी मेरा यकीन कीजिए, फोन वापस। हमारे पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा नालायक कहीं का। राम नारायण सर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मुझे क्या पता सर। हेलो, आपने फोन की खराबी के बारे में कंप्लेन की थी ना, आपका फोन एक घंटा पहले ही ठीक हो गया है। मेरा वक्त खराब चल रहा है इसीलिए खराब फोन भी एक घंटा पहले ही ठीक हो गया। चलो अकाउंट देखते हैं, चलो। अरे यार ये फोन डेड है, तुम्हें पहले से पता था? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपके चेहरे पे टेंशन देखना था। तुम तो डेंजरस आदमी हो भाई, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं तुम अपना प्लान मुझे बता दो। बताता हूं, बताता हूं, रुकिए। ये पता है क्या है? ये तो भूत बंगला लगता है। अरे नहीं, ये आपका पहले से दिखाई नहीं देता क्या? कोई भी काम करने से पहले उसके नेगेटिव चीजों को जान लो। इस प्लान के मुताबिक मेरे 62% डाउट क्लियर हो चुके हैं, बाकी भी हो जाएंगे। इस प्लान से आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। और 38% डाउट कब क्लियर होंगे? ये कैसे बता सकता हूँ, ये क्रिएटिव जॉब है, कभी आइडिया जल्दी आता है कभी टाइम लगता है। तब तक हमारी कबर खुल जाएगी, तुम्हारा प्लान भाड़ में जाए, हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। मैं प्लान बताता हूँ, तुम फॉलो करो, दैट्स ऑल। अरे पर सुनिए तो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये क्या है? केरला ऑयल। मसाज करने के बाद नहाना है? बेकार की बातें मत करो, मुझे खींच कर देखो। ये कैसे हो गया? कोई हमें पकड़ना चाहेगा तो हम फिसल जाएंगे। क्या कमाल का दिमाग पाया है आपने। ठीक है चलो चप्पल उतारो। ये मेरी चप्पल है, आपकी नहीं। अरे तुम्हारी सड़ी हुई चप्पल नहीं मांग रहा, अगर तुम्हारी चप्पल की आवाज आई तो लोग उठ जाएंगे। चलो आराम से आराम से, नहीं तो कोई जाग जाएगा। कौन है बे? डरिए मत, बस देखते जाइए। साला बिल्ली ने भी परेशान करके रखा है। एक बार और करता हूँ। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा, वो सोता रहेगा। साला मैं ही मिला था क्या परेशान करने के लिए? अरे रुक, ये प्लेन तेरा नहीं मेरा है, मेरे पीछे आ। अरे कौन है, चैन से सोने भी नहीं देता। आधी रात को फोन क्यों किया? क्या करूं भाई, आपका आधी रात को चोरों की तरह घूमना, अचानक किसी का लोटा फेंकना और आपके सर को चोट लगना, ऐसे अजीब से सपने मुझे आ रहे हैं। अबे तू एक नंबर की पनौती है यार। अबे उठ उठ जल्दी। अबे वहां देख तू, सूरज है क्या? एक मिनट मुझे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, चलो। देख रहा है इन चोरों को, आज उन्हें हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। चल ठीक है। राम नारायण, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो जी।
आज किसी भी हालत में हम अपने कागजात को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, ओके? हाँ, चलो। अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए? आप भी आ गए, यहाँ क्या हो रहा है आपको पता है? मैंने सब सुन लिया। सब सुन लिया? मुझे सब पता है। अब तुम दोनों यही बंद रहोगे। अरे चुप कर, चल जल्दी यहाँ से भाग, चल निकल। उधर देखो, वो घूम रहा है। रात को वो कुत्तों को खुला छोड़ता है। बड़े कुत्ते से कोई खतरा नहीं है, तगड़ा जरूर है पर कुछ नहीं करेगा। पर छोटा है ना, साला दिखने में मासूम है पर है कमीना। उसमें एक खासियत भी है, पसंद आए तो छोड़ देता है, पसंद आए काट लेता है। कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं, पर ये काटता है, भौंकता नहीं है। अरे इसने उसी को छोड़ दिया, आप वहां जाइए, मैं यहाँ जाता हूँ। अरे बाप रे, ओ, अंदर गया क्या? अभी दिखाता हूँ। अब देखो कैसे। प्रसाद जी कहाँ गए? अरे प्रसाद जी, प्रसाद जी, अरे उससे बचो। अरे बाहर क्या कर रहा है, जल्दी आ। मैं कैसे आऊं? अरे मुझे छोड़ा इस कुत्ते से, जल्दी आ। अच्छा रुको, मैं आता हूँ, आता हूँ। पीछे ही पड़ गया, छोड़ ना। रुको, इसका मुंह बंद कर देते हैं, इसको कोई दिखाई नहीं देगा। हाँ अब आप जाइए, दरवाजा बंद कर लेते हैं। पूजा, क्या हुआ? पूजा को पुकार रहे हैं, पूजा का रूम नहीं है, शंकर ठाकुर का है। Hey, your phone is ringing. Pick up your phone. Hey, कौन है? Phone. Yeah. कौन है यहाँ? मैं आ गया। हाँ? मैं आ गया पूजा। ये है। मैं तुम्हारे पास आ गया। नींद में भी बड़बड़ा रहा। मैं आ गया तुम्हारे पास। उठ, उठ। क्या है? पिताजी करूं मैं जाकर सो जा। पिताजी घराटे मारते, मुझे नींद नहीं आती। और तू यहाँ बड़बड़ा रहा है, मुझे नींद नहीं आती। लात क्यों मार रहे हैं? चल जा जल्दी से। जा रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ, बोलो ना। फिर क्यों मारा? अरे मैंने कब मारा, बहुत पीली थी क्या? चल जा। क्या मुसीबत है, चैन से सोने भी नहीं देते। उसे मारा क्यों? जान से मार दूंगा साले को, पूजा के साथ बदतमीजी करता है। अच्छा छोड़ उसे, हमें पूजा को ढूंढना है। तू उधर देखो। ओके, मैं इधर देखता हूँ। पूजा, पता नहीं डेढ़ फुटिया ने फोन साइलेंट किया है या नहीं, उसे कहकर आता हूँ वरना गड़बड़ कर देगा। पूजा, प्रसाद जी, प्रसाद बाबू, प्रसाद बाबू, अरे प्रसाद बाबू वहाँ कहाँ फंस गए? बचाओ मुझे। अच्छा दीजिए दीजिए, हाथ दीजिए, आइए आइए आइए, संभल कर आइए, हाथ दीजिए। अरे रुकिए, अरे बाप रे, लगी तो नहीं? मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। अरे अरे ये क्या, आप तो गोबर में गिर गए, ये कितनी बात आ रही है। चलिए उठे उठे, जल्दी उठिए। पता नहीं आपने क्या बात की है जो आपको ऐसे सजा मिल रही है, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। आइए आइए, अरे चलिए चलिए वरना कोई देख लेगा, चलिए जल्दी चलिए। हाँ अरे छोड़ो, क्या हुआ सर? देखो कहाँ से लेकर आए। ओह कांच है और चप्पल भी नहीं पहनी। ओहो, अरे थोड़ी देर बैठ जाइए, आइए आइए बैठे आराम से। हे भगवान, आप मेरी मदद कर रहे हो और आपके साथ ऐसा सब हो रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम सच में रो रहे हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दर्द आपको हो रहा है और जान मेरी निकली जा रही है। ओ, रो रो के गला सूख गया है। अरे वाह, यहाँ तो पानी भी है। अरे मर गया रे। ये पानी का टेस्ट ऐसा नहीं है। मुझे कहता पी ले यार। हाँ ठीक है, चल अब निकलते हैं यहाँ से। अरे जल्दी चल रहे यार, क्या हो गया तुझे यार? गुड मॉर्निंग सुंदर मास्टर जी।